हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सिया एक्सप्लोरर। आज मैं आपको केटोकोनाजोल सोप की जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। मेरे हाथ में जो सोप है वो आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। यह एक मेडिकेटेड सोप है जिसे मैंने परचेज किया था एक मेडिकल स्टोर से। इसे मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि मेरे स्किन में जो बहुत सारे रेसेस हो रहे थे, इचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी और जगह जगह पर काले काले धब्बे बनने लग गए थे। इग्जिमा का जैसा असर होने लगा था और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इचिंग होता था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मैं जब स्किन डॉक्टर से मिली तब उन्होंने मुझे यह केटो सोप के बारे में बताया। उन्होंने मुझे केटो सोप रिकमेंड किया और इस सोप को मैं खरीद कर लेकर आई हूँ। 128 रुपीज़ में ऑफलाइन ख़रीदा है मैंने, इसे ऑनलाइन नहीं परचेज किया है। एक हफ्ते से इसे मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और सोचा कि मैं इसका रिव्यू बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छी सोप रही। दो तीन दिन तक तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ मुझे, बट दो तीन दिन के बाद लगा कि मेरा जो इचिंग का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा कम हो गया, कम से कम 75% कम हो गया। ये अभी भी इतना बचा हुआ है, करीब एक हफ्ते तो आराम से चला जाएगा ये। अगर इसका ऑनलाइन लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छी रही। अगर दाँत खाज खुजली है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन में इचिंग हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या इसे फेस में यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल इसको फेस में भी यूज कर सकते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इससे मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बट अगर स्किन में रेडनेस आती है और थोड़ी इचिंग आपकी बढ़ जाती है, जलन सा फील होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।